ये मेरी ए टू जेड शॉर्टकट की दूसरी वीडियो है जो मैं पहले ए से लेकर एल तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। जिसने आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे कि आगे शॉर्टकट की समझने में आसानी होगी। तो आइए हम नेक्स्ट चलते हैं जो हमने पिछले अध्याय में कंट्रोल एल तक पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम का यूज यानी इंडेंटेड पैराग्राफ के लिए किया जाता है। उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं तो आइए देखते हैं कंट्रोल एम इंडेंट क्या होता है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि इंडेंट पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट। आप ऊपर यहाँ देखेंगे माउस को जैसे ले जाते हैं तो लेफ्ट मार्जिन दिया हुआ है और इधर राइट में आपको राइट मार्जिन दिया हुआ है। तो ये जो मार्जिन है राइट मार्जिन, इनको हम इंडेंट के द्वारा जानते हैं। कैसे? माना इंडेंट जो दिखा रहा है हमारा, अगर मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो पैराग्राफ है हमारा हाफ हाफ इंच आगे खिसका हुआ है। अब आप माउस को मैं ले जा रहा हूँ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? हैंगिंग इंडेंट, यानी कि यही हमारा इंडेंट एम पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट है। यानी कि लेफ्ट से मैटर को आगे स्टेप बाय 0.0 इंच के आधार पर उसको ले जाएगा। इस तरीके से हम कंट्रोल एम का प्रयोग कर सकते हैं। माना मैं अगर इसको बैक करना चाहूँ अपनी स्थान पर तो कंट्रोल एम से वो नहीं आएगा। इसमें वापस रिवर्स करने के लिए आपको यूज करना होगा कंट्रोल शिफ्ट एम। तो आप देखेंगे वो वापस अपनी कमांड पर आ चुका है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एन, यानी कि आप जानते ही हैं ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। अभी मेरे सामने ये पैराग्राफ ओपन है, मैं चाहता हूँ ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी कि नया पेज आ जाए तो सिंपल सा मैं कंट्रोल प्लस एन यूज करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस एन प्रेस किया ऑटोमेटिक आपके सामने ब्लैंक पेज आ चुका है। तो इस तरीके से कंट्रोल एन से आप न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस ओ, ओपन द डॉक्यूमेंट, यानी कि जब किसी भी फाइल को सेव किया जाता है और वापस उसको ओपन करने के लिए हम फाइल में जाकर यहाँ से आप देखेंगे जो आपने फाइलें सेव की हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। माना ऊपर भी कॉर्नर में आपको जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने सेव किया है उस फाइल को क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं नंबर टू फाइल को क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे वो नंबर टू की फाइल ओपन हो चुकी है। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में और समझाया था, यहाँ पर आप वन देख रहे हैं, यानी कि मैंने लिंक के द्वारा इसको समझाया था। तो आपने देखा किसी भी फाइल को, सेव की हुई फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस पी, यानी कि प्रिंट ए डॉक्यूमेंट, यानी कि हम जब भी किसी फाइल को, मैटर को हम बनाते हैं और उसका प्रिंट निकालने के लिए कंट्रोल पी का इस्तेमाल करते हैं। तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि टू पेज में मैटर आपको दिखाई दे रहा है। नीचे कॉर्नर में आप देखेंगे वन ऑफ एट, यानी कि हमारे सामने एट पेज हैं। अब इसमें से आप जिस पेज नंबर को क्लिक कर प्रिंट निकालना चाहते हैं वो आप प्रिंट निकाल सकते हैं। और प्रिंट निकालने के लिए काफ़ी सारी ये सेटिंग है, आगे मैं एक इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि स्टेप बाय स्टेप सारी भी टॉपिकों को मैं पढ़ा दूंगा। कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल प्लस क्यू, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम जैसे भी कोई भी हमने कमांड लगाई है और हम उस पर जो हमने कमांड लगाई थी कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल ई, तो आप कंट्रोल क्यू करेंगे तो बाय डिफॉल्ट में वो ऑटोमेटिक लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। वैसे इसका खास यूज नहीं हुआ, यानी कि एक ब्लैंक की तरह यूज कर सकते हैं इसको। राइट ऑफ एल एन टेक्स्ट, यानी कि
सीपीयू जो मेरा हेडिंग है लिखा हुआ है, इसको मैं राइट कॉर्नर में ले जाना चाहता हूँ, तो कंट्रोल प्लस आर प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे ये राइट में हो चुका है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एस। एस क्या है, यानी कि जो भी आप फाइल बनाते हैं और उसको सेव करना चाहते हैं, तो सेव करने के लिए सिंपल सा कंट्रोल प्लस एस प्रयोग करेंगे। और एस प्रयोग करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ कंट्रोल प्लस एस प्रेस किया और कोई भी उसका डायलॉग बॉक्स यानी कि लिंक नहीं आया, क्योंकि मेरी पहले से ये फाइल ए टू जेड शॉर्टकी की फाइल सेव है, वापस दोबारा फाइल नेम नहीं मांगेगा। तो मैं बता देता हूँ ये सेव करने के लिए फाइल में जाकर यहाँ से सेव पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फाइल आपको सेव हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको लोकेशन मांगेगा, लोकेशन में आप क्लिक करेंगे कि हाँ आपको सेव करनी है, सेव करने के बाद उस फाइल का आप यहाँ पर नाम दे देंगे, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने दे दिया MGCSM, और सेव पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो उस फाइल का नाम आप देखेंगे सेव हो चुकी है। तो इस तरीके से किसी भी फाइल को हम कंट्रोल प्लस एस से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस टी, क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट, यानी कि ये भी आपका एक इंडेंट की तरह यूज किया जाता है। यहाँ पर आप जैसे यूज करते हैं, जैसे मैंने ए टू जेड सेलेक्ट किया हुआ है इधर से साइड से, और कंट्रोल प्लस की का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या होगा, जहाँ से आपका है वहीं से आपका कंट्रोल प्लस टी से यानी कि हाफ हाफ इंच मीटर को स्टेप ले जाएगा, वापस वही सेम करने के लिए कंट्रोल प्लस टी का यूज कर सकते हैं। तो पैराग्राफ को आगे खिसकाने के लिए कंट्रोल टी कंट्रोल एम का प्रयोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अंडरलाइन यानी कंट्रोल प्लस यू, ये सिंपल है बहुत, देखिए सिंपल सा आप इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल यूज का प्रयोग करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे इसके नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। अगर हम कहें और अंडरलाइन डिफरेंट स्टाइल अगर चाहते हैं, तो ऊपर कॉर्नर में जाएंगे फॉन्ट की कैटेगरी में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी इसकी अंडरलाइन की स्टाइल मिल जाएंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पर ये अंडरलाइन हो चुकी है, आपको डिस्कनेक्ट करना है तो सिंपल सा इसको क्लिक करेंगे, अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट, पिछली वीडियो में मैं कंट्रोल वी के बारे में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। कंट्रोल वी पेस्ट यानी कि पेस्ट करने के लिए डुप्लीकेट बनाता है, किसी भी टेक्स्ट को आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। मैंने बताया था कि जब भी आप किसी मैटर को डुप्लीकेट बनाएंगे, उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं सिंपल सा एक कीबोर्ड को सेलेक्ट करता हूँ, और डुप्लीकेट बनाने के लिए सबसे पहले आप कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट करेंगे, तो आप देखेंगे मैं पेस्ट कितनी बार भी करूँगा वो ऑटोमेटिकली उसका डुप्लीकेट डुप्लीकेट यूज होता चला जाएगा। तो पेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है क्लोज द ओपन द टैब द ब्राउजर, यानी कि मेरे सामने जो मैं फाइल को प्रैक्टिकल यूज कर रहा हूँ, इस फाइल को मुझे क्या करना है, क्लोज करना है। इस पैराग्राफ को यानी पेज को क्लोज करना है, ना कि मुझे इस सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पेज को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करूँगा, तो वो पूछेगा कि आप इस पैराग्राफ में जो भी आपने चेंजिंग किया है उसको सेव करना है या नहीं, सेव या डोंट सेव। तो आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे वो क्लोज हो जाएगा, तो इस तरीके से वो फाइल आपकी क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस यानी कट टेक्स्ट टू ऑब्जेक्ट, किसी भी मैटर को आप कट कॉपी पेस्ट आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में सुना भी होगा, और मैं यहाँ प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूँ। कट यानी कि माना मेरे सामने कीबोर्ड हेडिंग है, इस मैटर को यानी कि हेडिंग को मैं यहाँ से कट करना चाह रहा हूँ और सीपीयू के नीचे लाना चाहता हूँ, तो जैसे मैं इसको मैटर को सेलेक्ट करूँगा, ऊपर आप देखेंगे कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्ट की हाईलाइट हो चुकी है, यहाँ से भी इसका यूज कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस एक्स मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया, आप देखेंगे वो यहाँ से कट हो चुका है। वापस अब अगर इसको लाना है या किसी स्थान दूसरे स्थान पर रखना है, जैसे कि मैं कहूँ कि सीपीयू के आगे पीछे मुझे कहीं पर रखना है, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करूँगा।
तो कट पेस्ट यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप परिवर्तन कर सकते हैं। रेडू एनी अंडू एक्शन यानी कि किसी भी स्टेप को हम वापस रिवर्स करना चाहें, जैसे कि मैंने अभी कीबोर्ड को यहाँ से मैंने पेस्ट की, वहाँ से कट किया, यहाँ मैंने पेस्ट किया, अब मैं यहाँ कंट्रोल वाई का प्रयोग करूँगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो रिपीट 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 एंडू यानी कि कर रहा है, रेडू कर रहा है। अब ये वाई कब यूज होगा, जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो कीबोर्ड का जो हेडिंग है वो हट चुका है। अगर मुझे वही वापस अगर लेके आना है, रिपीट करना है, तो कंट्रोल प्लस वाई का यूज करूँगा। रिपीट यानी कि कंट्रोल वाई रेडू कब होगा, जब आपका अंडू होगा, अंडू का यूज करेंगे तभी आपका रिपीट होगा। जैसे कि यहाँ पर अंडू दिया है कंट्रोल प्लस जेड, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर और कीबोर्ड से मैं डिलीट बटन को प्रेस कर देता हूँ तो क्या हुआ, यहाँ पर ये हेडिंग डिलीट हो चुका है। अगर बाय मिस्टेक आपका डिलीट हो जाता है तो उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं। तो आपने देखा ए टू जेड शॉर्टकट के बारे में आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।